का स्वागत है। आज यू। गुड मॉर्निंग सभी को। अविक्त मूल्य क्लब में सभी का स्वागत है। तो आज की जो मूवी है उसकी ओरिजिनल डेट है 15/12/79 की, 15 दिसंबर 79 की मुरली है। और मुरली का टाइटल है विदेशी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। तो इसमें बाबा ने विदेशी बच्चों की महिमा की है। इस मुरली में बाबा ने विदेशी बच्चों की महिमा की है क्योंकि भारतीय जो होते हैं वो संस्कार उनके थोड़े कड़े होते हैं, लेकिन विदेशी बच्चे इतनी तकलीफ सहते हुए भी कैसे बाबा से मिलन बनाते हैं या बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, उसके लिए बाबा ने बाबा तक विदेशी बच्चों की भी तारीफ की है। तो इसमें बाबा ने पांडेलियों का भी महिमा की है कि कैसे पांडेलिया ने वंशा सेवा द्वारा वाइब्रेशन, शांति का वाइब्रेशन फैला सकती है और हम कैसे डबल हीरो है इसके बारे में भी बाबा ने कहा है। तो पढ़ते हैं बाबा की मुरली। बाबा के शब्दों में आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं। मॉरिशियस, सदा बाप द्वारा मिले हुए खजानों से खेलते रहते हो ना, जो लाडले और सिकिलते होते हैं वे सदा रत्नों से खेलते हैं। तो बाप दादा द्वारा हमें कौन से रत्न मिलते हैं, आगे बाबा ने कहा है। तो आप सबको भी बाप दादा द्वारा अकुट ज्ञान रत्न प्राप्त हुए हैं, उसी अकुट खजाने में खेलते रहते हो ना। पूछा है बाबा ने कि हम भी उसी अकुट खजानों से खेलते रहते हैं, यानी कि दिन भर में हम ज्ञान मंथन करते हैं। इन्हीं रत्नों से खेलने और दूसरों को भी मालामाल करने में सदा बिजी रहते हो ना, यही कार्य है ना। बाकी प्रवृत्ति तो निमित्त मात्र है, क्योंकि वर्तमान समय आप सब मर्जीवा ब्राह्मण जीवन के बने हो। हम सब बच्चे मर्जीवा, हमारी ये लाइफ है, हमारा ये जो चौरासीवा जन्म है, अलौकिक जन्म है, वो मर्जीवा है। तो हमें त्रैसीवे जन्म की जो स्मृतियां है उसको ही भूलने की हमें ज्यादा उसको भी भूलने का हमें ज्यादा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बाकी के जन्मों के हमें याद नहीं रहते, लेकिन अभी का जो हमारा शरीर का त्रैसीवा जन्म है उसकी स्मृति हमें ज्यादा आती है। वो क्योंकि वो इसी देह से हमने अनुभव किया है ना, तो उसको भूलने की हमें ज्यादा कोशिश करनी है, पुरुषार्थ करना है। और इसके लिए तो बाबा कहते हैं मुझे यूज करो। बाबा को यूज करके 3 बिंदियों की पॉइंट और ध्यान में रख के ध्यान मंथन करके हमें इस देह को भी भूल जाना है। तो आगे बाबा कहते हैं क्योंकि वर्तमान समय आप सब मर्जीवा ब्राह्मण जीवन के बने हो। ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है सुनना और सुनाना। क्या सुनना है? एक बाबा से सुनना है और बाबा का ज्ञान का परिचय नब्ज देके सबको देना है। आगे बाबा कहते हैं यही निजी कार्य है। तो किसी ने कहा है बांधे लिया है, तो बाबा कहते हैं बांधे लिया तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त रहती है, क्योंकि हर वक्त उनके दिमाग में बाबा बाबा ही बाबा है, तो वो प्रवृत्ति से वैसे तो निवृत्त रहती है। बाबा ने इसमें मांडलियों की महिमा की है। हर घड़ी बाबा के कहते हैं हर घड़ी घड़ी लगन रहती है कि किस घड़ी निर्बंधन बन बाप से मिले। तन वहा है लेकिन मन बाप के पास रहता है, पर परतंत्र तन के है मन के तो नहीं है ना। तो उनको कितने भी तालों में रखे मन को ताला नहीं लगा सकते।
अगर माया जीत है तो मन स्वतंत्र है। इसके लिए कंडीशन है माया जीत बनना है, यानी मन में अर्थ विचारों का ख्याल नहीं आना चाहिए, तो मन स्वतंत्र है। और कल की मुरली मैंने बाबा ने कहा है कि सब कुछ तेरा, तन मन सब कुछ तेरा, तो मन बाबा का है। तो बाबा, अगर हम पूरी तरह से बाबा को सदा याद करते हैं, मन में जो आ रहा है वो भी बाबा का है, उसके लिए हमें ज्यादा दिल शिकस्त नहीं होना है। आगे बाबा कहते हैं, बांधे लिया अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है। बांधे लिया उनको, और हमारी यही सेवा है कि हमें वायुमंडल को परिवर्तन करना है, तो इसके ज्यादा मार्क्स बांधे लिया उनको मिलते हैं। बाबा आगे कहते हैं, बांधेलियों को इस सेवा का बहुत बड़ा चांस है। आजकल मनसा सेवा ही चाहिए, क्योंकि विश्व को आवश्यकता है। ये बाबा ने 79 में कहा है, और अभी की हालत देखते हुए तो हमें एक सेकंड भी, हमारा एक श्वास भी, हमारे कल की मुरली में भी कहा है, टाइम प्लान अनुसार वैसी मुरली आ रही है, तो समय का महत्व सभी को समझ में आता होगा। हमारा व्यक्त तो मुरली क्लब पूरी सारे मेंबर वैसे ही है। तो बाबा के कहते हैं, आजकल मनसा सेवा ही चाहिए, क्योंकि विश्व को आवश्यकता है। मन की शांति की तो मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशंस फैला सकती हो। शांति के सागर, बाप की याद में इसी संकल्प में रहना, यही मनसा सेवा है। शांति के सागर, बाप की याद में इसी संकल्प में रहना। बाबा ने क्लियर सारे डायरेक्शंस बहुत क्लियर दिए हैं कि हमें कौन से बाप की याद में रहना है, शांति के सागर, और इसी संकल्प में रहना है, तो हम अपने आप हमसे शांति के वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे और हमारी मनसा सेवा भी होती रहेगी। लेकिन इसके लिए क्या है, हमें लाइट रहना है, सदा हल्के रहना है, सारा बोझ बाबा को देकर सदा हल्के रहना है, और बाबा की याद में रह रहे हैं। कौन सा बाबा? शांति का सागर बाबा। तो आगे बाबा कहता है, ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती रहेगी, तो शांति का दान देने वाली महादानी होना। बाबा ने पूछा है, अपने मन में ही बाबा को कहना है, हाँ बाबा इतने परसेंटेज में बने हैं, लेकिन इतने परसेंटेज में अशांति होती है, तो बाबा सब सुन रहा है, वो हमें चेंज जरूर करेगा। आगे बाबा कहते हैं, जहाँ बाप साथ है वहां कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई थोड़ा शोर करते हैं तो भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। बाबा ने इस पैरा इसमें बहुत सूक्ष्म बातें बताई है। जैसे दीपावली के मच्छर निकलते हैं और समाप्त हो जाते हैं, तो जो अभी बाबा ने बाबा की महिमा की है, जो शांति के सागर है, ज्ञान का सागर है, वैसे देहधारी भी बहुत आते हैं जो अपने को श्री श्री कहलाते हैं, लेकिन वो भी थोड़े समय के लिए बाबा में समा जाएंगे। ऐसे बाबा ने आगे कहा है, आप सागर के बच्चे सागर हो, सारे विश्व को सच्चा आर्य बनाने वाले हो। आर्य का मीनिंग जो भारतवासी है, और भारतवासी कौन है? प्रॉपर देवी देवता बनने वाले और बनाने वाले। तो बाबा कहते हैं, आप सागर के बच्चे सागर हो, सारे विश्व को सच्चा आर्य बनाने वाले हो, तो कोई कर ही क्या सकता है? कोई भी, रावण भी हमारे आगे कुछ नहीं कर सकता, बाबा ने ये कहा है। आगे बाबा कहते हैं, तालब सागर में समाकर समाप्त हो जाएंगे, सब धर्म समाप्त, और एक ही धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा कहते हैं, तालाब सागर में समाप्त हो जाएंगे। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पद्म गुना याद करते हैं। कल भी बाबा ने कहा है, मैं हर एक बच्चे को देखता हूँ, हर एक बच्चा मेरा विशेष बच्चा, और मैं हर एक बच्चे को देखता हूँ।
आगे बाबा कहते हैं, इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते हैं। बाबा भी हमें रिटर्न देता है हमारी याद का। बाबा कहते हैं, इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते हैं। बच्चे भले सोए भी पड़े हो, बाप सर्व बच्चों की देखरेख का अपना कार्य सदा ही करते हैं। इतनी नशे वाली पॉइंट है कि हमारा बाप अगर हम सोए भी पड़े तो हमें हमारी देखरेख करता है। आगे बाबा कहते हैं, कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते हैं, वह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। बाबा ने हमें कहा, हमें इशारा दिया है कि हमें कैसा पुरुषार्थ करना है, कि सदा बाप की याद में रहना है। बाबा ने एक साकार मुरली में कहा था, ज्वालामुखी योगी क्या है कि याद से याद मिलनी चाहिए। बाबा तो हमें याद करते ही है, लेकिन हमारी भी प्रॉपर याद होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते हैं, वह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। उसी समय कैच करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हो, सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी। पेपर आना अर्थात अनुभवी बनना, अनुभवी बनाना अर्थात सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री लेना। तो पापा ने पेपर जो आते हैं, अभी तो वही सीजन चालू है, वही समय चालू है, पेपर तो आएंगे ही। और सबसे पहले पेपर तो ब्रह्मा बाबा को आया था, सब में वो पास होके आगे चले गए। अभी हमारी बारी है, हमें मास्टर ब्रह्मा बनना है। तो पेपर तो आने वाले हैं, किस लिए आने वाले हैं, हमें अनुभव की अथॉरिटी देने वाले विघ्न विनाशक की डिग्री देने के लिए। तो हमें सदा अटेंशन रखना है, हम किसके बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, और फिर आगे जाना है, विघ्न अपने आप ही पास होने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं, पेपर आना अर्थात अनुभवी बनाना अर्थात सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री लेना। इसलिए जब पेपर आता है तो समझना चाहिए कि क्लास आगे बढ़ गए। गीता पाठशाला से फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड से धीरे धीरे आगे बढ़ के कॉलेज में जाना है और पास विद ऑनर बनना है। बाप दादा सदा बच्चों की रक्षा करते हैं, इसलिए सदा उसी छत्र छाया में रहो। कौन सी छत्र छाया? बाप दादा की छत्र छाया। आगे है, सदा इसी नशे में रहो, हम डबल हीरो है। नैरोबी पार्टी से बाबा बात कर रहे हैं, सदा लास्ट ऑफ पास जाने वाले विशेष यानी बाप दादा क्षमा के आगे परवाने, सदा के लिए जलकर मरजिया बनने में सदा होशियार है। बाबा ने तीन हमारी कैटेगरी दी है जो लास्ट ऑफ पास जाने वाली है, और सदा क्षमा के आगे जलकर मरजिया बनने वाले है। तो बाबा कहते हैं, पक्के परवाने होना, पूछा है बाबा ने हमसे, पक्के परवाने होना। परवानों को देखकर क्षमा भी खुश होती है, क्षमा को भी नाज होता है ऐसे परवानों के ऊपर। क्षमा है बाबा, परवाने हैं बच्चों के ऊपर, बाबा को नाज है। तो सदा बाप के स्मृति स्वरूप बच्चे हो, जैसे आप बाप को याद करते हो वैसे बाप भी आपको याद करते हैं। आप लोगों ने तो बाप को इनडायरेक्ट जड़ चित्रों द्वारा चैतन्य को मालाएं पहनाने की कोशिश की। चैतन्य जो है उनको मालाएं, ब्रह्मा बाबा उनको मालाएं पहनने की कोशिश की, और बाप सदा बच्चों के गुणों की माला सुमिरन करते रहते हैं। हमारे में जो गुण है वो अगर हम विशेषता देखने की कोशिश करेंगी तो स्वयं अपने पहला अपने आप को साक्षात्कार होगा कि हाँ ये हमारे में दैवी गुण है। और बाबा तो हमें उसी नजर से देखता है, स्वमान में रहने के लिए कहते हैं, तो हमें सदा स्वमान में रहना है, उस तरह से व्यवहार करना है। आगे बाबा कहते हैं, आप लोगों ने तो
बाप को इनडायरेक्ट जड़ चित्रों द्वारा चैतन्य को मालाएं पहनाने की कोशिश की, और बाप सदा बच्चों के गुणों की माला सुमिरन करते रहते हैं। तो कितने लकी हो, बाप को आत्माएं याद करती है और आप महान आत्माओं को बाप याद करते रहते हैं, तो बाप से भी ऊंचे हो गए। इसलिए बच्चों का स्थान बाप के ताज में है। ताज के भी वैल्यूएबल मन के हो। बाबा कितना नशा चढ़ा रहा है, और विशेष ये विदेशी जो बच्चे आते हैं उनको तो भारत में आना, बाबा मिलन के लिए आना, बहुत उनको पैसे भी ज्यादा होते हैं। हम तो ट्रेन से जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्लेन में जाएंगे तो भी 10,000 वगैरह खर्चा आएगा, लेकिन उनको तो लाख लाख रुपए की टिकट होती है वीसा के लिए। तो इकोनॉमिकली भी है और पूरी तरह से चेंज भी होते हैं, धारणा स्वरूप बदलते हैं। तो बाबा उनको उतनी विशेषता उनकी बताते हैं और नशा भी चढ़ाते हैं, लेकिन हमें भी उन जैसा सदा बाप की याद में मगन रहने वाले बच्चे बनना है, वैल्यूएबल मन का बनना है। तो आके बाबा कहते हैं, ताज के भी वैल्यूएबल मन के हो। जो रियल मनिया होती है या जो रियल हीरे होते हैं वह कितने चमकते हैं। कौन सा है रियल है? हीरा हमारा आत्मा स्टार, तो उसमें सारी मैल उसकी निकल जानी चाहिए, तो वो कितने चमकते हैं। आजकल के तो सच्चे मोती भी झूठे के समान है। सतयुग में तो हर एक बल्ब के मुआफिक लाइट देगा, बहुत चमकीला होगा। जैसे यहाँ कोई भी रंगों की लाइट करने के लिए बल्ब के ऊपर कागज लगाते हो, हरी लाइट के लिए हरा कागज, लाल लाइट के लिए लाल कागज, ऐसे वहां जितने रंग के हीरे होंगे उतनी नेचुरल लाइट भिन्न भिन्न रंग की होगी। जरा सी रोशनी आई, चलो जाओ अपने अपने महल में। और कैसा लग रहा है हमारा महल, हमारे घरों के ऊपर जो रोशनी हीरे लगे हैं उसमें जरा सी रोशनी आई और जगमगाते हुए कमरे का अनुभव होगा। देखना है कैसे हमारे महल में जो हीरे लगे हैं उनके ऊपर लाइट पड़ने से कैसे भिन्न भिन्न कलर के प्रकाश आते, भिन्न भिन्न कलर का प्रकाश आता है। तो आगे बाबा कहते हैं, तो आप सब बाप दादा के सिर के ताज के सच्चे हीरे हो। एक हीरा चमकने वाला और एक हीरा सबसे श्रेष्ठ मेन पार्ट बजाने वाला। उससे के साथ साथ हमारा अभी का जो पुरुषार्थी रूप है यानी फरिश्ता स्वरूप है वो भी देखना है। तो आगे बाबा कहते हैं, एक हीरा चमकने वाला और एक हीरा सबसे श्रेष्ठ मेन पार्ट बजाने वाला, हीरो हीरोइन तो डबल हीरो हो गए ना। सदा इसी नशे में रहो कि हम डबल हीरा है। नैरोबी की खुशबू वतन तक अच्छी आ रही है। हिम्मत वाले बच्चे हैं, इतना बड़ा ग्रुप हिम्मत का ही सबूत है ना। इससे सिद्ध होता है कि नैरोबी वाले बाप समान सेवादारी है, तब तो सबकी सेवा करके यहाँ तक लाए है ना। यह सेवा का प्रत्यक्ष है। आगे बाबा कहते हैं, दृढ़ निश्चय का फल मिला है ना। निश्चय बुद्धि बने और बाप की मदद से असंभव संभव हो गया। छोटी सी झोपड़ी से महल मिल गया। बाप दादा अपने महल यानी सेंटर देखा है? बाप किसी ने पूछा कि जो अफ्रीका का सेंटर है वो देखा है? तो बाबा कहते हैं, बाप दादा तो अपना काम नहीं छोड़ते हैं, बाप सदा बच्चों की संभाल करते हैं। बाप दादा का काम है बच्चों की याद में रहना, संभाल करना। हमें भी वो पग पग में कदम कदम में अनुभव होता है कि बाप कैसे हमारी संभाल कर रहा है। तो बाबा के कहते हैं, लौकिक में भी देखो, माँ बच्चे के आसपास चक्कर जरूर लगाएगी,
क्योंकि स्नेह है तो बाप दादा व माता पिता बच्चों के यहाँ चक्र कैसे नहीं लगाएंगे, इसलिए रोज चक्र लगाते हैं। बाप दादा दोनों साकार शरीर से अशरीरी है, तो हमें भी क्या करना है, बाप दादा से मिलन मनाना है, तो हमें भी अशरीरी होना है, अपना काम किया और अशरीरी। आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा दोनों साकार शरीर से अशरीरी है, वह अव्यक्त शरीरधारी वह निराकार। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त शरीरधारी और निराकार शिव बाबा। आगे बाबा कहते हैं, दोनों को नींद की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जहां भी चाहे वहां पहुंच सकते हैं। तो हमारे हमारा पुरुषार्थ भी वैसा ही करना है। अगर हम अशरीर रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो हमारी नींद भी योग निद्रा हो जाती है, तो हमारी नींद भी कम हो जाती है, कम समय में ज्यादा आराम मिलता है, तो इसका भी हमें अनुभव देना है। दोनों को नींद की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जहां भी चाहे वहां पहुंच सकते हैं। अभी अफ्रीका में कितने सेंटर है? अफ्रीका की एरिया तो बहुत बड़ी है, मैप के मैप में भी हम देख सकते हैं कि अफ्रीका खंड बहुत बड़ा है। अफ्रीका की एरिया तो बहुत बड़ी है, जगह जगह पर जाओ और सेवा को आगे बढ़ाते जाओ, जिससे आपको कोई भी उलना न दे सके। अब डायरेक्शन दे रहे हैं कि कोई भी ऐसा कोना नहीं रहना चाहिए जहां बाबा के बच्चों को बाबा की पहचान न मिले। तो बाबा कहते हैं, जिससे आपको कोई भी उलना न दे सके, ऐसे भी नहीं जहां तहां सेवा केंद्र खोलो, जहां तहां सेंटर ही खोलो, ऐसे ही नहीं सेवा की संदेश दिया और गीता पाठशाला खोलकर आगे बढ़ते जाओ। आगे है, मन वचन कर्म की सेवा का बैलेंस टीचर्स के साथ। तो बाबा ये सिर्फ समर्पित भाई बहनों के लिए कह रहा है, ऐसे है बाबा कहता है, मेरा हर एक बच्चा टीचर है, जो मेरी डिग्री वो मेरे बच्चों की डिग्री। तो बाबा ये हमारे लिए भी कह रहा है, टीचर्स का अर्थ ही है बाप समान, अपने संकल्प बोल और हर कर्म द्वारा अनेकों का परिवर्तन करने वाली, सिर्फ बोल से नहीं लेकिन संकल्प से भी सेवाधारी। तो हमें इसी की चेकिंग करनी, हमारा संकल्प भी सेवा का है, बाप समान है। तो बाबा कहते हैं, सिर्फ बोल से नहीं लेकिन संकल्प से भी सेवाधारी, कर्म से भी सेवाधारी, जो तीनों ही सेवा में सफलता मूर्त होते हैं, वही पास विथ ऑनर बन जाते हैं। तीनों में मार्क्स समान हो तो ऐसे ही पास विथ ऑनर ऑनर होने वाले टीचर्स होना। पास होने वाले तो बहुत होंगे लेकिन पास विथ ऑनर विशेष ही होंगे। तो क्या लक्ष्य रखा है? रोज अपनी दिनचर्या को चेक करो कि आज सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस रहा। बाबा जो पोता में देने के लिए कहते हैं, उसमें हमें देखना है कि हमने आज मन से सेवा कितने की, मनसा सेवा कैसे करनी, वो भी बाबा ने बताया है, तन से धन से। तो अगर हम रोज सेंटर पे नहीं जाते तो गीता पाठशाला में जाते हैं, वहां भी भंडारी होती है, नहीं तो अपने घर में हम ऐसा बना सकते हैं जहाँ हर रोज इकट्ठा करके, फिर हफ्ते में एक दिन जब जाते हैं सेंटर को तो दीदी को देनी है, तो ऐसा हम रोज धन की भी सेवा कर सकते हैं, तन की भी कर सकते हैं, क्योंकि घर जो है हमारा बाबा का यज्ञ ही है, तो उसमें अगर हम बाबा के बच्चों की सेवा कर रहे हैं ऐसे समझ के सेवा करेंगे तो सफल हो जाएगी। मेरा घर समझेंगे तो वेस्ट हो सकता है, लेकिन बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे ऐसे समझ के करेंगे तो तन की भी सेवा है, मन की भी है और धन की भी हम कर सकते हैं। तो आगे बाबा कहते हैं, सेंटर पर करेंगे तो बहुत अच्छा, वो तो बहुत अच्छा चांस मिलते हैं, वो तो लकी समझना चाहिए अपने आप को। और जब हमारा टाइट होता है शेड्यूल और सेवा आती है तो
बाबा हमें हमारी परीक्षा ले रहा है और पास भी बाबा ही करेगा, ऐसे करके ऐसा सोच के करेंगे तो और ज्यादा मार्क्स जमा होंगे, और हलचल में आके करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल फ्री होके, अभी तो ऐसा टाइम चल रहा है कि बिल्कुल फ्री होके, बिल्कुल हल्का होके, सब बाबा को जिम्मेवारियां सौंप के हमें तन मन धन सब सफल करना है। आगे बाबा कहते हैं, पास होने वाले तो बहुत होंगे लेकिन पास विथ ऑनर विशेष ही होंगे। तो क्या लक्ष्य रखा है? रोज अपनी दिनचर्या को चेक करो कि आज सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस रहा। बैलेंस रखने से सर्व गुणों की अनुभूति करते रहेंगे। चलते फिरते स्वयं को और सर्व को सर्व गुणों का अनुभव करा सकेंगे। सब कहेंगे ये गुणदान करती है, क्यों? क्योंकि दिव्य दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देगा। तभी तो अंत में देवी जी कहकर नमस्कार करेंगे। ये सीन अंत में होने वाला है, लेकिन हमें अभी से हमें वो पुरुषार्थ करना है। और यही अंत के संस्कार द्वापर से देवी की पूजा के रूप में चलेंगे। तो ऐसे होना पूछा है बाबा ने, क्या हम ऐसे हैं? मन में ही बाबा का रिजल्ट बतानी है और परसेंटेज भी बताना है कि बाबा इतना परसेंट हुए हैं, इतना परसेंट होना ही है, बाबा करवा के जरूर लेगा। तो आगे बाबा कहते हैं, एक दूसरे को बाप के गुणों का वा स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देते हुए गुणमूर्त बनाना, यह सबसे बड़ी थी बड़ी सेवा है। इम्पोर्टेंट है स्वयं की धारणा के, एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देते हुए गुण मूर्त बनाना, यह सबसे बड़े ते बड़ी सेवा है। गुणों का भी दान है, जैसे ज्ञान का दान है वैसे गुणों का भी दान है। गुणों का दान हम कर्मणा के कर सकते, कर्मणा से कर सकते, हमें कर्मणा से गुणों का दान हो, ऐसे हमारे कर्म हो। आगे बाबा कहते, अभी एक एक को आठ आठ दस दस सेंटर संभालने पड़ेंगे, तब कहेंगे सर्विस हुई। फॉरेन में जो सेंटर से वो ट्रस्टी संभालते हैं, तो बाबा कहते हैं कि अभी एक एक को आठ आठ दस दस सेंटर संभालने पड़ेंगे, तब कहेंगे सर्विस हुई। अभी एक एक सेंटर चार पांच संभालते हैं, फिर एक एक को अनेकों को भी संभाल करनी पड़ेगी। अभी सर्विस को और आगे बढ़ाओ। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर जैसा डायरेक्शन मिलेगा वैसे डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी रीमा बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को सोमान दिया, मैं डबल हीरा हूँ। तो एक तो बाप दादा के सिर के ताज के सच्चे हीरे बाबा ने कहा, और दूसरा सबसे श्रेष्ठ मेन पार्ट बजाने वाले, तो जैसे संगम युग डायमंड युग है ना, हीरे तुल्य, तो हम ब्राह्मण आत्माओं का जन्म भी हीरे तुल्य है। और इस ड्रामा में सबसे श्रेष्ठ मेन पार्ट बजाने वाले सच्चे हीरो हीरोइन है, तो डबल हीरे हो गए ना। तो बाबा ने कहा, अब क्या करना है? सारे दिन चेक करना है कि तीनों सेवाओं का बैलेंस रहा, जैसे मनसा वाचा कर्मणा। मनसा से जैसे कल भी बाबा ने कहा था कि जब बाबा को ये मन दे ही दिया, तो ये तो बाबा की अमानत है, और फिर अपने पास रखे तो बाबा अमानत में ख्यानत हो जाता है। जैसे व्यर्थ मन में सोच रहे हैं, व्यर्थ संकल्प, मेरा मन परेशान है, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो ये सब अमानत में ख्यानत करते हो।
इसी तरह वाचा में भी मधुरता के बोल हो, शुभ भावना, शुभ कामना हो, रहम दिल हो सर्व विश्व की आत्माओं के प्रति। कर्मणा में बॉडी कॉन्शियस होके कर्म नहीं करो, देह अभिमान में आके कि मैं मेरा ये नहीं करना है। तो कल भी बाबा ने बताया ना कि अमृत वेले याद करो, क्या कि बाबा की आज्ञा, मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। तो इस तरह बैलेंस रखने से सर्व गुणों की अनुभूति स्वयं भी अनुभव होगी और चलते फिरते दूसरों को भी अनुभव करा सकेंगे, गुणमूर्त बन जाएंगे। बाबा ने कहा यही सबसे बड़े ते बड़ी सेवा है। ओम शांति। जी नमिता बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि इस संगम युग में हम ब्राह्मण बच्चे मर्जीवा जी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हैं। सारे पुराना स्वभाव संस्कार से मर चुके हैं, तो अपने ब्राह्मण जीवन की कर्तव्य ऊपर अटेंशन रहती है। तो ब्राह्मण जीवन का जो निजी कार्य है, बाबा जो बच्चों को कहते हैं, पढ़ा रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, उसको आज्ञाकारी बच्चा होकर सुनना है और दूसरों को भी सुनाना है। काल मुरली में बाबा जो बाबा कहते थे कि आज्ञाकारी बनना माना बाप समान बनना। हर सेकंड अपने समय संकल्प श्वास को सफल करना। तो शांति के सागर बाबा की याद संकल्प में रहे, यह भी मनसा सेवा है। तो ऑटोमेटिक शांति और शक्ति की वाइब्रेशन फैलेगी। तो बाबा कहते हैं जो संकल्प समय श्वास को समय पर सफल करते हैं वह गुप्त योगी ही। तो ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल सखी रहते और सूक्ष्म रूप में समय पर भी शुभ भावना शुभकामना की शक्ति और शांति फैलाकर सहयोग देते हैं। तो बाबा के याद में रहकर सेवा करने से भी बाबा से बहुत मदद मिलती है, वह भी हम बच्चे अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं सर्व बच्चों की देखरेख भी बाबा करते हैं, सिर्फ हमको कैच करना है, अनुभव करना है और महसूस करना है। तो बाबा ने कहा अनुभवी बनना माना विघ्न विनाशक बनना। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। হ্যাঁ, বাবা বলা যে টিচারকে অতই হয় বাপ সমান মান না। তো আপনি সংকল্প বোর ওর কর্ম দ্বারা অনেকে খুব পরিবর্তন করনে বালি। শিব শিব বলছে নই লেকিন সংকল্প সে ভি সেবাদারি, কর্ম সে ভি সেবাদারি। যো তিনই সেবা মে সফলতা মূর্ত হতে হয়, ওহি পাস উইথ অনার বন যাতে হয়, তিনমি মাস সমান হোক। ওম শান্তি। ওম শান্তি। আগে অরুণামুলকর দিদি জি হ্যাঁ ও বল সকতে হ্যাঁ। ओम शांति। आज भक्त धनी बांदेलियों के लिए कहे कि तन मन धन सब बाप को दिया है, तो तन का प्रभाव मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि तन तो बांदेल है लेकिन मन तो स्वतंत्र है। मन को कोई बांध नहीं सकते। मन से मनसा सेवा विश्व शांति देने से जो आत्माएं बंधन डालते हैं वही भी सहयोगी बनेंगे। बाप दादा कहते डांटने वाले भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि डांटने वाले के लिए ही सेंटर पर आए और सहयोगी बन जाए, ऐसे ही भी बहुत हो गए हैं। जैसे कि तो मैं नहीं है ऐसा ही आत्मा होता है, तो एक मैं आत्मा का भी अनुभव है। 10 आत्माएं तो पहले से ही सहयोगी, लेकिन एक आत्मा ही नहीं था वो भी सहयोगी बन गई है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। एक एक मिनट, ये मैसेज जो हमारा फर्स्ट अव्यक्त मुरली टेक्स्ट उसमें आ रहा था द कम्युनिटी हैज बीन डीएक्टिवेटेड, तो क्योंकि यस्टरडे का वो ये मैसेज आया नहीं, इसका पीडीएफ थर्ड जो इसका आज की अव्यक्त मुरली का पीडीएफ थर्ड आना था वो आया भी नहीं, और आ रहा है कम्युनिटी हैज बीन डीएक्टिवेटेड। तो भाई जी कुछ बताएंगे इस बारे में?
पुरुषोत्तम भाई जी या गौरव भाई जी, आपको मालूम है तो आप बता सकते हैं। ओम शांति। 5:40 में हम अनाउंसमेंट करेंगे, तब तक आप सभी मन चिंतन करें, है ना। ओके ठीक है, थैंक यू भाई जी। ब्रह्म कुमारी एंजल आशा बहन जी अपने अभी शेयर किया, सॉरी रविदीप अपने हैंड रेज किया था। ओम शांति। तो आज बाबा मुझ आत्मा को बता रहे हैं कि मुझे मनसा सेवा द्वारा शांति के वाइब्रेशंस फैलाने हैं अपने स्वयं के अंदर और आसपास के एनवायर में भी शांति के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। तो ऐसी दृढ़ निश्चय, दृढ़ शक्ति के द्वारा और उड़ती कला में रहकर, हल्के रहकर मुझे एक प्रॉपर याद, अमृत वेले से ही प्रॉपर याद में रहना है तो मुझे सारे दिन के लिए खुराक मिल जाती है। ये मुझे स्मरण रहे कि मैं आत्मा बाप को याद करती हूँ तो उतना ही मुझे बाप मुझे याद करते हैं, मेरी देख रेख करते हैं, संभाल करते हैं। तो अशरीरी बनने का अभ्यास मुझे लगातार करना है, निराकार शिव बाबा से कंबाइंड होना है, दिन में बार बार ये अशरीरी का अभ्यास करते रहना है, संकल्प बोल कर्म से खुद को सेवाधारी समझना है, सेवाधारी बनना ही है और पास विद ऑनर बनना ही है। ये घर बाबा का है और यहाँ रहने वाले सदस्य सब बाबा के ही बच्चे हैं, तो मुझे ये दृढ़ निश्चय करके सेवाधारी बन के पास विद ऑनर बनना ही है। ओम शांति। ओके जी, ओम शांति। आगे कविता बहन जी। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को यही चेक करने के लिए कहा है कि संकल्प बोल और कर्म से हम दिन भर में कितनी सेवा करते हैं, क्योंकि उसमें भी कभी कभार ऐसे होता है कि इम्बैलेंस रहता है। तो हर चीज़ में बाबा यही हमको सिखाते हैं कि बैलेंस रखो, क्योंकि जितना हम बैलेंस रखेंगे उतना ही हमें ब्लेसिंग भी मिलेगी बाबा से। तो आज हमें दिन भर में यही चेक करना है कि जो संकल्प हम करते हैं या जो भी बोल हम किसी के संबंध संपर्क में आते हैं या जो भी हम कर्म करते हैं, इससे हम कितना सेवा कर रहे हैं ये चेक करना है। और साथ ही बाबा ने कहा जो बाबा के गुण हैं, क्योंकि हमें बाप समान बनना है, तो जैसे बाबा के गुण हैं वैसे हमारे गुण हो, तो क्योंकि जितनी हम धारणा करते हैं वही दूसरों को दिखाई देता है। तो इसलिए हमें बाबा ने कहा कि गुणों का दान जो है ये सबसे बड़ी सेवा है, तो हमें गुणमूर्त भी बनना है। तो आज दिन भर में हमें यही अटेंशन रखे और साथ साथ ये भी हम चार्ट रखें कि कितना हम सेवा कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे ही हम पास विथ ऑनर होंगे। तो सभी की इच्छा यही रहती है कि हम पास विथ ऑनर रहे, तो बाबा ने आज वही डायरेक्शन दिया है हम बच्चों को करने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। बीके भी जादो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, अभी तो एक सेंटर्स एक पाठशाला 5-6 आदमी संभालते हैं, लेकिन आगे चलकर एक आदमी को 6-6, 8-8, 10-10 सेंटर संभालने पड़ेंगे, तो इतनी सर्विस करनी पड़ेगी, ये बाबा ने आज कहा है। ओम शांति। ओम शांति। अभी देख रहे हैं सभी में अभी शांति के वाइब्रेशंस है, तो कैसे बाबा हमें शांति में रहकर शांति के वाइब्रेशंस फैलाना है या कर्मों से गुणों का दान करना है। तो बाबा हमें
सब बता रहे हैं, अभी हमें अटेंशन रख के हमारा पुरुषार्थ को बढ़ाना है। हाजी पुरुषोत्तम भाई जी। ओम शांति। आशा बहन आप लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि पेपर आना अर्थात अनुभवी बनाना अर्थात सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री लेना, और संधि की मूल्य में भी बाबा ने कहा था कि विघ्न विनाशक हमारा नाम है हम, और विघ्नों की हिम्मत नहीं है जो हमारे सामना करे तब हमें कहेंगे विघ्न विनाशक। और बाबा ने कहा था कि विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे, और बाबा ने कहा था कि जब हम पत्र लिखे तो हमें ऐसा नहीं लिखना है कि पता नहीं क्या हो गया, तो हमें लिखना चाहिए कि ओके वेरी गुड मैं विघ्न विनाशक हूँ, ऐसे पत्र लिखने के लिए बाबा ने कहा था। तो आज भी बाबा ने कह रहे हैं कि जब पेपर आता है तो हमें समझना चाहिए कि हम क्लास हमारे क्लास आगे बढ़ रहा है, और बाप दादा सदा हम बच्चों की रक्षा करते हैं, इसलिए हमें सदा बाप दादा की छत्र छाया में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे कम्युनिटी ग्रुप्स थे जिसमें टेक्स्ट मुरलियां आती थी, और एक मंथन का ग्रुप था उसमें भी सभी मंथन शेयर किया जाता था, तो वो दोनों कम्युनिटी बंद हो गए हैं। कुछ कम्युनिटी चल रहे हैं जो भी बंद हुए हैं, अभी आज उसके ऊपर कुछ काम चल रहा है, तो आज आपको शाम तक दूसरा एक लिंक मिलेगा, उसमें आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली भी आपको ज्वाइन करा देंगे, अगर कोई ज्वाइन नहीं होते हैं तो कल आपको एक लिंक भेजेंगे उस पर आप ज्वाइन करना। कुछ तकनीकी कारण से वो जो कम्युनिटी ग्रुप है वो बंद हुए हैं, 2 साल पहले भी बंद हुए थे, तो अभी बंद हुए हैं, तो फिर से हम उसको चालू करेंगे। थोड़ा समय चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भाई बहन जुड़े थे, कुछ हजारों में जुड़े हैं, इसलिए आज या कल ये काम हो जाएगा। तब तक तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में ये PDF आता है, आप वहां से रेफर कर सकते हो, नहीं तो 1-2 दिन बुक से भी आप रेफर कर सकते हैं। यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति भाई जी। तो ये तीर पुरुषार्थी ग्रुप, इसका लिंक जैसे नहीं है हमारे पास तो उसके लिए नहीं, कोई बात नहीं, आज नया ग्रुप बनने वाला है तो उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगर नहीं भी कर देंगे तो कल आपको फिर लिंक भेज देंगे, जो भी अव्यक्त मुरली के ग्रुप बनेंगे तो आपको लिंक भेज देंगे। आज के दिन आप थोड़ा सा बुक से ही रेफर करें तो हम कल से आपको दे देंगे सारे लिंक्स। अभी काम चल रहा है ग्रुप फॉर्मेशन का। ओम शांति भाई दीदी, पहले ये पुरुषार्थी अलग था, अब अलग था, आप सारे एक बन जाएंगे कि अलग अलग ही रहेंगे? नहीं नहीं, ये जो अव्यक्त वाणी का ऑफिशियल ग्रुप थे ना, जो कम्युनिटी में आपको अव्यक्त मुरली आती थी, वो बंद हो गए हैं, है ना। ये जो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप है ये ऑफिशियल नहीं है, ये भाई बहनों ने होमवर्क शेयर करने के लिए बनाया है ना, तो इसमें अपन हाँ ऑफिशियल सिर्फ वो दो ही ग्रुप थे कम्युनिटी में जो चल रहे थे, जहाँ पर टेक्स्ट था, एक मंथन था, ये दो ही ऑफिशियल ग्रुप है। तो इसमें जो बंद हुए हैं तो वो चालू करने का चल रहा है, तो आज उसके लिए टाइम लगेगा, कल से आप ज्वाइन हो जाएंगे उसमें। नहीं हुए तो आप किसी भी पहुंच को मैसेज कर सकते हैं, आपको ज्वाइन करा देंगे। ओम शांति भाई जी, वो एक ही ग्रुप डेली साकार मुरली का, वो भी उसमें भी यही आ रहा है कम्युनिटी हैज बीन डीएक्टिवेटेड। हाँ जी, वो भी सारे बंद हो गए, मतलब जिसके मतलब प्रफुल भाई जी के मोबाइल से थे वो, मतलब बनाए हुए, उनका मोबाइल नंबर डीएक्टिवेट हो गया कुछ कारण से, तो सारे ग्रुप बंद हो गए हैं, अभी फिर से चालू हो जाएंगे, 1 दिन लगेगा उसके। ठीक है, थैंक यू भाई जी। तो अभी समय भी हो गया है, तो उज्ज्वला बहन आप अभी पोल लॉन्च हो रहा है, पोल के बाद आप होमवर्क और योग कराइए, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आपको पोल दिखाई दे।
पोल की रिजल्ट आएगी क्या भाई उसके बाद ना? हाँ जी, हाँ जी, जी उज्ज्वला बहन आप होमवर्क पर लिख करा सकते हैं। ओम शांति। तो आज का होमवर्क यही रहेगा कि बाबा ने कहा है हमें सदा बाप की याद में रहना चाहिए, तो हम सारा दिन बाबा की याद में रह के हर कर्म करेंगे और इसकी अभी हम योग में प्रैक्टिस भी करेंगे कि कैसे करना है। बहुतों को तो आता ही होगा नो डाउट, लेकिन फिर भी उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम इसे करेंगे और सारा दिन बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे और रात को बाबा को हम बाबा ने कहा है पोता मिल देंगे कि मनसा सेवा कितनी की कर्मना, तन मन धन से कितनी सेवा हुई हमारी, ये भी पोता मिल देंगे। ओम शांति। अभी योग में हम साकार रूप में रहते हुए आत्मिक स्थिति में रहते हुए जब हमारी आत्मिक स्थिति हो रही तो ऑटोमेटिकली हमारा बाबा के साथ कनेक्शन रहता है, तो कैसे सेवा करें इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा शरीर को तो स्थान डाल रही हूँ लेकिन मेरी माँ हमें बाबा वो तो सूक्ष्म है तो हमारा सूक्ष्म स्नान करा रहे हैं। हमारे मन में जो भी संकल्प विकल्प चल रहे अशुद्ध संकल्प विकल्प चल रहे वो सब की धुलाई करके हमें पूरा तर पूरी तरह अंतर बाह्य स्थूल सूक्ष्म हमें स्वच्छ बना रहे हैं। बाबा का घर है वे बाबा के बच्चों की सेवा हो रही है तो मैं बाबा के बच्चों की सेवा बड़ी खुशी से कर रहा हूँ कर रही हूँ। कोई मुझे कुछ बोल रहा है तो ये मेरा हिसाब किताब चुकता हो रहा है, जो बॉल मैंने भेजी तो वो वापस मेरे पास आ रही है तो मुझे वो खुशी खुशी से स्वीकार करने हैं, उसके उसका फिर और नया हिसाब किताब नहीं बनाना है, सब कुछ बाबा को समर्पित कर बाबा की याद में रहे अपने सातों गुणों में स्थित रहे। मुझे व्यवहार में आना है, चेक करना है क्या मेरा ये संकल्प बाप समान है। हर संकल्प चेक जो संकल्प मन में आया श्रीमतानुसार है ऐसा संकल्प चेक करके मुझे व्यवहार में आना है और सब कुछ बाबा को समर्पित कर फिर बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करना है तब पूरा निराकार स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। निराकार स्थिति यानी कोई भी संकल्प नहीं आ रहा है। फिर सुबह शाम के टाइम बाबा से जो मिला है वो सारे विश्व को फरिश्ता रूप से दे रही हूँ। मेरा लाइट का शरीर सारे ग्रुप के ऊपर में सभी विश्व की आत्माओं को प्रकृति को सकार दे रही हूँ। फिर पोता मिल देके सब कुछ बाबा को छोड़ बाबा की याद में सो जाएंगे। ओम शांति। शांति। गुड डे एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।